So hello friends, good morning. Welcome to Uplift Classes. Okay? So CA exams को लेके बहुत ambiguities चल रही है, होने वाली है नहीं होने वाली है, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बराबर है। लेकिन अपने को सब negativity से थोड़ा दूर जाना है अभी, क्योंकि इन हैंड सिर्फ हार्डली 24 days 25 days बचे हैं। सो अपनी एक ही ड्यूटी बनती है अभी, पढ़ाई करो। देखो अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो इट्स लाइक फायदा ही होने वाला है या नुकसान होने वाला है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट करते रहोगे आप ट्विटर पे, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, टेलीग्राम पे, तो ये तो तय पक्की बात है कि नुकसान ही है। और पढ़ाई करते रहोगे क्योंकि पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती। मुझे पता है सब लोग फ्रस्ट्रेटेड है, सब मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी एक CA स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लास्ट 20 days में अपने एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लाया हूँ मैं। सो लेट्स सी लास्ट 20 डे एग्जाम स्ट्रेटेजी, ये दोनों के लिए, CA फाइनल के लिए भी और CA IPCC के लिए, IPCC के लिए भी एप्लीकेबल है जिनको 8 papers है। ये 8 paper स्ट्रेटेजी नाम दिया है मैंने इसको। चलो देखते हैं क्या है इसमें। 3 strategies है, 3 अलग अलग टाइप के लोगों को कवर किया गया है इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट स्ट्रेटेजी पे जाते हैं। या मैं, लेकिन हाँ, ये स्ट्रेटेजी यूज़ करने के पहले आप लोगों को एक थोड़ा ही, आपको ट्विटर अनइंस्टॉल कर देना पड़ेगा, टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर देना पड़ेगा, तभी जाके आप इतना इफेक्टिव स्टडी कर पाओगे। चलो देखते हैं, 3 strategies है। पहली वाली स्ट्रेटेजी जहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे जैसे बंदों के लिए स्ट्रेटेजी है। वॉट दिस स्ट्रेटेजी सेज कि मैंने 2 revisions कंप्लीट कर लिए और आपने भी कर ली होगी ये, मैं मुझे लग रहा है 2 revisions कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन एक सब्जेक्ट पूरा बचा हुआ है जो कि FR है, जो अपन लास्ट पे ही लेते हैं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। ओके, बाकी 7 subjects आर कंप्लीटेड, 2 बार रिविजन हो चुकी है, दिस विल बी 3rd time। ओके, और लास्ट का जो FR बचा है वो पूरा बचा है। ओके, FR के ऊपर बात करूँ तो FR बहुत वास्ट है। यू शुड गो फॉर ABCA एनालिसिस फर्स्ट। ABCA एनालिसिस के लिए मैं हमेशा CA अतुल अग्रवाल के लेक्चर्स या वीडियोज में रिकमेंडेड करूँगा। इट्स अ गुड सोर्स जो आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आज की है 27, जैसे कि आप लोग शायद, स्ट्रेटेजी विल स्टार्ट फ्रॉम 1st October, अर्लियर द बेटर, बट 1st October 4 दिन तुम ट्विटर कर लो, टाइम पास कर लो, घूम के आना, घूम लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोगों को 1st October से एकदम सीरियस हो जाना है। सीरियस माने एक टाइम टेबल बना लेना है खुद का, एक टाइम स्केड्यूल बना लेना है। देखते हैं क्या 11 से 12 घंटे आपकी इफेक्टिव स्टडी हो सके, सॉरी 11 टू 12 आवर्स आप स्टडी टाइम निकालो 24 आवर्स में से। तो जैसे कि मैं फॉलो करता हूँ टाइम टेबल, वो मैं बता देता हूँ एक बार। 6 AM टू 12:30 PM तक बैठता हूँ, उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, थोड़ा सोता हूँ, फिर वापस 3 बजे बैठता हूँ, 7:30 बजे तक करता हूँ पढ़ाई। अभी तो मैंने इतना ही किया है, अभी मैं फर्स्ट से क्या कर रहा हूँ, 9 to 10 PM भी बैठने वाले। और फिर कुछ नहीं, आप इतने थके हुए होते हो 6 बजे उठ के, लाइक 6 बजे स्टडी के लिए बैठना है, मतलब आपको 5:15 तक उठना पड़ता है, नहा धो के बैठो एकदम फ्रेश मूड से। ओके, सो 9 to 10 भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ रात को। फिर क्या, आप थके हुए रहते हैं तो 10:30 तक तो सो जाते हो, या 11 मैक्सिमम, 11 to 5 इज गुड एम्पल ऑफ स्लिप, 6 आवर्स। और दोपहर में जो 1.5 घंटा मिलता है, 1.5 घंटा तो मिल ही जाता है, बट सैम्पल ऑफ स्लिप। लोग बोलते हैं कि इतना सोना चाहिए, उतना सोना चाहिए, ठीक है, 20 days निकाल देना अपने को। ठीक है, 11 टू 12 आवर्स की स्ट्रेटेजी बनी, कि ऐसे समझ लो अप्रोक्स 12 आवर्स की स्ट्रेटेजी बनी, उसमें से 80% एफिशिएंसी अगर मैं मानूं तो 9.6 आवर्स डेली होता है, बराबर। तो 9.6 आवर्स डेली इंटू 20 days 192 hours अप्रोक्स इज वेरी मच टाइम, गुड अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव नाउ, 192 hours। उसको 2 parts में आपको डिवाइड कर देना है। पहले 6 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया है, जैसे कि FR, वही करते रहना है, FR ही करते रहना है आपको।
जिसकी फर्स्ट रीडिंग बची है, फर्स्ट रिविजन बची, वही करते रहना है, ठीक है। वो 15 दिन तक चलना है, 15 × 6 90 आवर्स में आपको कुछ भी करके एफ आर कम्प्लीट करना है। एफ आर इजिली कम्प्लीट हो जाता है। इसके लिए भी मैं बोलूँगा कि एफ आर इज वेरी मच वास्ट, फिर से बोलता हूँ, एबीसी एनालिसिस मस्ट, कि क्या आने वाला है वो पता चल जाता है। इन शॉर्ट क्या आने वाला नहीं, कौन सी चीज कितने मार्क्स के लिए होती है ये पता चल जाएगा आपको, या किसका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि क्या आने वाला है वो तो भाई इंस्टीट्यूट के अलावा किसी को पता नहीं होता, ठीक है। वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन जस्ट वर्क ऑन इट, वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन जस्ट वर्क ऑन इट, ओके। अब बच गए तुम्हारे 9.6, 6 घंटे तो तुमने खा लिए, ठीक है। अब बच गए 3.5 आवर्स अप्रॉक्स, जिसमें आपको 7 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं पर डे 3.5 आवर्स। एक काम करो फिर, अब दिन कितने बचे, 15 दिन बचे, बराबर डिवाइड बाय 7 कर लो तो 2.14 डेज, या मतलब 2 दिन पकड़ लूँ मैं अप्रॉक्स। अरे 2 दिन पकड़ रहा हूँ मतलब 1.14 डेज में छोड़ रहा हूँ, बराबर। मतलब ऐसा नहीं 0.14 डेज में पढ़ाई नहीं करना है, आप चाहो तो इन 700 सब्जेक्ट को टाइम दे दो, या तो फिर आपके एफ आर को टाइम दे दो, नो प्रॉब्लम, ओके। बिकॉज 1.4 × 9.6 करता हो तो आपका 1.3 आवर्स बन जाता है, सो विच इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। फिर आगे बढ़ते अपन, देयर फॉर इच, हाँ ठीक है। अभी क्या हो गया, 2 डेज × 3.5 आवर्स, बराबर। ये 3.5 × 2 डेज है, तो आपके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 7 घंटे। अभी गाइस सब लोग बोलेंगे यार 7 घंटे में एक सब्जेक्ट कैसे रिवाइज करेंगे, आपको पूरा सब्जेक्ट कौन बोल रहा है रिवाइज करने के लिए। जस्ट गो थ्रू द कोर टॉपिक्स, सेक्शंस, केस लॉज, अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बराबर। बिकॉज 2 बार तो आपकी रिविजन हो चुकी है, बराबर। तो इट्स लाइक क्विक रिविजन होना चाहिए। अभी आज अगर 7 घंटे में आप कोर टॉपिक कंप्लीट कर लेते हो ना, तो एग्जाम टाइम पे जो भी टाइम मिलता है आपको, हम लेट्स से 20 आवर्स या 18 आवर्स, उसमें आप पूरा सब्जेक्ट कवर कर पाओगे। और सब्जेक्ट्स लाइक समझ लो ऑडिट में तो प्रोफेशनल एथिक्स, कंपनीज एक्ट, कारो स्टैंडर्ड्स, ये सब आप 7 आवर्स में इजीली कर सकते हो, मतलब कर सकते हो यार, ऐसा कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है, 7 आवर्स में इजी हो जाता है। स्टैंडर्ड्स नहीं हो पाएगा, लेकिन कंपनीज एक्ट, कारो और प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड के 3-4 स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स में भी, स्टैंडर्ड्स का भी एबीसी एनालिसिस अलग है। जैसे 700 सीरीज इज इम्पोर्टेंट, 705, 706, 701, जो ये सब नए ऐड हुए तो वो सब आप देखो, 299, 600, 610, 620, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। एबीसी एनालिसिस देखते रहोगे, आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है वो चीज़, आएगी तो आएगी 5 मार्क्स के लिए, क्यों इतना टाइम कम हो उसके लिए, बराबर ना। और ये एक मेरा एडवाइस है कि आप रिवर्स मैनर में जाओ, जैसे 8th-8th दिन का पेपर IDT जो है वो आप पहले ले लो। अगर मैं CPT IPCC की बात करता हूँ तो आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले ले लो, या जो भी सब्जेक्ट आपका भी शायद IDT लास्ट होगा तो वो आप पहले ले लो, ठीक है। अब मैं जाता हूँ Strategy 2 की तरफ। सो सेकेंड स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए जिनका सब पढ़ के हो चुका है, ऑल सब्जेक्ट्स आर डन एंड डस्टेड, बट अभी 20 डेज में दे आर नॉट गेटिंग एनी मोटिवेशन टू स्टडी। लाइक ये सब MBBTs है रिगार्डिंग एग्जाम्स, अपना इंस्टीट्यूट आगे आके कुछ बता नहीं रहा है कुछ, मतलब दे आर मोर ऑफ लाइक फ्रस्ट्रेटेड। उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, 4 दिन कर लो जितना भी फ्रस्ट्रेशन, टाइम पास करो जो करना है, लास्ट के 20 दिन सेम स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल, 2 डेज पर सब्जेक्ट। लेकिन अभी इधर एक कैच है, इधर तो एफ आर उनको करना ही नहीं है, तो जो अपन 6 आवर्स एफ आर को दे रहे थे दैट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू सब्जेक्ट्स। लेट्स सी अभी इसमें उनको क्या करना है, अमेंडमेंट को एक बार रिवाइज कर लो, सेक्शंस, केस लॉज, फॉर्मूलाज, ठीक है। इन सब चीज पे एकदम फोकस रखना है कि केस लॉज आपके परफेक्ट हो, फॉर्मूलाज एकदम परफेक्ट हो, सेक्शंस नंबर मुंह पे याद हो। चलो ये तो हो गया, फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार हो गया मेरे को, नहीं हो रहा है कुछ, ओके। तो ये देखो 9.6 आवर फॉर 1.5 डेज देना है लेकिन इस बार,
बराबर 1.5 डेज, सब्जेक्ट रिवाइज करते पड़ना है 9.6 आवर्स, तो देख लेते हैं अभी कितना टाइम होता है, 9.6 इंटू 1.5, तो 14 घंटे एक सब्जेक्ट को देना आप, दिस इज जस्ट लाइक योर ICAI एग्जाम्स, उधर को उतना टाइम मिलता है, बराबर है। अब नेक्स्ट क्या करना है फिर आप लोगों को जो आधा दिन बचा है, तो अभी भी आपके पास 2.5 आवर्स बचे, 2.5 आवर्स में आपको करना क्या है, आपको एक ही चीज करनी है, टेस्ट सीरीज दो। टेस्ट सीरीज कैसे थे सर, सब तो खत्म हो गया, तो खत्म कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। प्राइवेट टेस्ट सीरीज में जाओ, GM टेस्ट सीरीज नाम का एक पोर्टल है, वहाँ जाओ, ये वाला GMTestSeries.com, वहाँ जाओ, वो लोग 260 रुपीज में दो पेपर देते हैं, अपने को चाहिए एक ही पेपर, सो मेल देम कि आपको एक ही पेपर चाहिए, तो जो भी अमाउंट बनता है 1.5 रुपीज वो लोग ले लेते तुमसे और आपको पेपर प्रोवाइड कर देते हैं, लिखो उनको भेजो, दे विल चेक द शीट, डोंट केयर फॉर द रिजल्ट्स, एटलीस्ट वो जो पेपर दे रहे हो उसकी वजह से तो तुमको एक्साइटमेंट आएगा पढ़ाई करने का, आप समझ लो फिर भी नहीं आती एक्साइट, तो एक काम करो पेरेंट्स को बोलो कि हमारा है ना अच्छे से ये जो टेस्ट पेपर से वो कंडक्ट करो, मॉक टेस्ट कंडक्ट करो, रिजल्ट भी तुम ही चेक करो, खतरनाक होता है वो चीज़, ठीक है, एक्साइटमेंट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा पता है, इससे आपको एक्साइटमेंट भी आएगा स्टडी करने का और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा ये सब चीज़ आपके लिए। अभी स्ट्रेटेजी 3 जो है वो अल्ट्रा लेजेंड्स लोगों के लिए, नॉट टच बुक्स येट बट आई हैव कंप्लीटेड फर्स्ट रीडिंग ऑलरेडी फॉर May 20। अभी अल्ट्रा लेजेंड है, सबसे पहले एडवाइस तो ये रहेगा एफिशिएंसी बढ़ाओ, 14 आवर्स पर डे इंटू 80% एफिशिएंसी, 90% कर दो इसको भी, मैं तो 80% के हिसाब से लिया, फिर भी आपके पास 11 दिन 20 दिन का 220 आवर्स इन हैंड्स है। सबसे पहले तो आपको हर एक चीज़ के लिए ABC एनालिसिस देखना ही पड़ेगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, बराबर। ABC एनालिसिस पहले देखो कि कौन से मार्क्स के लिए क्या आने वाला है, मासेस में जाओ कि कौन सबसे ज़्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है, वो कंप्लीट करो सबसे पहले, और ट्राई करो कि ग्रुप वन पहले करें, और जब आप रिवाइज करने बैठते हो तो खुद से मत रिवाइज करो, ये देखो ये इतना बड़ा बुक है इंटरनेशनल टैक्सेशन अपना इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, ये अगर मैं खुद से करता हूँ तो मेरे से नहीं होता है, मुझे कम से कम 5-6 दिन लग जाएंगे पढ़ने में, लेकिन हाँ अपने जो टीचर्स है बहुत मेहनत करते बेचारे अपने लिए रिविजन लेक्चर्स बनाते हैं, वो रिविजन लेक्चर सामने रखो और रिपीट मोड पर चलने दो उनको, 12-13 घंटे का है वो, 12-13 घंटे में आप इजीली ये पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन, मैं आयुष खान सर से कर रहा हूँ, तो आयुष खान सर का इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए 7 आवर्स का वीडियो, इंटरनेशनल टैक्स डन एंड डस्टेड, एक एक चीजें बताई वो लोग उन्होंने। सो थैंक यू गाइस, प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अभी हम लोग 11, 12 और CPT पे वर्क ऑन कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है अपन फाइनल में अपन IPCC में अपने को तो कुछ काम ही नहीं आएगा, लेकिन ठीक है ये आपके दोस्तों को उनको प्लीज शेयर करो, उनको बहुत काम में आएगा, सेम अपन जो CA की जैसी पढ़ाई होती है वैसे ही कर रहे हो, अपन 11 से सीरियसनेस ला रहे स्टूडेंट्स के अंदर, उनके लिए भी अपने रिविजन लेक्चर्स और ये सब लाया है, सो प्लीज़ हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, थैंक यू।